हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों आज की क्लास को अपन सुपर फास्ट करते हैं। राजस्थान जीके का दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि कला एवं संस्कृति। दोस्तों अपन ने पढ़े थे टॉप 100 क्वेश्चन, आप सभी जानते कि कंप्लीट तो हुए नहीं थे, 20 क्वेश्चन रह गए थे, लेकिन 20 क्वेश्चन वे और 20 क्वेश्चन और अपन अन्य मिला के 40 क्वेश्चन आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप बड़ी शिद्दत के साथ लास्ट तक बने रहकर इस क्लास का आनंद उठाएंगे, है ना। तो आइए दोस्तों आज का पहला प्रश्न दे दूँ। यहाँ से लेकर अपन ने सारे कुछ ये पढ़ लिए थे ना, पूरे के पूरे पढ़ लिए थे। दोस्तों अपन ने देखिए अपने कहाँ तक पढ़ लिया था, जी बिल्कुल ये तो सारे पढ़ लिए थे है कि नहीं, और ये भी अपन ने पढ़ लिया था गलियों कोट वाला। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था अपना उस दिन, है ना। बाणगंगा का मेला जो है ना, ये दोस्तों जो है ये कहाँ पर भरता है, ये आपसे प्रश्न किया गया था। एक सेकंड, है ना, पेन ही काम नहीं करी जब फोटो को साथ में रखते हैं तो। चलिए तो देखिए दोस्तों बाणगंगा का जो मेला है ना किस स्थान पर भरता है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और जवाब आप सभी को देना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सभी का जवाब हो जाएगा, बोले सर जोधपुर नहीं होगा, नागौर भी नहीं होगा और अलवर भी नहीं होगा। अलवर के पास में ज़रूर है, जैसे कि बैराट जो है ना, बैराट कह सकते हैं आप, और आप इसे विराटनगर भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये है कहाँ पर फिलहाल, ये अपने जयपुर में, प्यारे साथियों कहाँ पर है, जयपुर में, यहाँ पर दोस्तों ये बाणगंगा का मेला भरता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न है ये मेला जो है अपना कब भरता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है। दोस्तों जब फोटो रखते हैं तो पेन काम करेगी नहीं, है ना, तो आई थिंक इस सामने की फेस को हटाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण जो है ना बाल नृत्य नहीं होगा, दीपदान हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर दीपदान हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोलायत, कोलायत क्या है, एक प्रकार की दोस्तों झील भी है और यहाँ पर मेला भी भरता है। बोले सर किसका, तो दोस्तों देखिएगा कपिल मुनि का यहाँ पर मेला भरता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर दीपदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीपदान हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों देखिए ये जो है मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला भरता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे फोटो हटाना पड़ रहा है क्योंकि ये पेन जो है काम कर नहीं रही है, ठीक है, चलिए तो फोटो को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए अपने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों के मेले के लिए जो प्रसिद्ध है ना स्थल, वो कौन सा स्थल है। देखिए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन है, गधों के लिए प्रसिद्ध जो मेला है ना, इनमें से बामन वास है, जटिया वास है, खंडेला वास है या फिर लूणिया वास है। देखिए वास 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 जो है ना बिल्कुल राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। ये कहाँ पर भरता है, बोले सर जयपुर में भरता है, बिल्कुल जयपुर में भरता है प्यारे साथियों। और अगर इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक देवी का मंदिर है ना, जिस देवी का नाम है खलकाणी माता। दोस्तों क्या नाम है, खलकाणी माता, देवी का नाम है खलकाणी माता, तो यहाँ पर माता का मंदिर। और दोस्तों यहाँ पे विशेष रूप से जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि गधों के लिए प्रसिद्ध है ये मेला लूणियावास, हालांकि यहाँ पे सर्वाधिक क्या घोड़े आते हैं, गधे उतने नहीं आते जितने घोड़े यहाँ पे सर्वाधिक आते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ नंबर 83, रानी सती का मेला कब लगता है, दोस्तों कौन से माह में लगता है, आप सभी जानते हैं झुंझुनू में लगता है रानी सती का मेला, लेकिन भरता कब है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए, बोले सर ये आसान क्वेश्चन है और सही जवाब भी हम करेंगे, सर ये भाद्रपद माह में लगता है, भाद्रपद की अमावस्या को ये मेला भरता है। दोस्तों कब भरता है, भाद्रपद की अमावस्या को ये मेला भरता है, ध्यान रखना। और ये दोस्तों विश्वभर का सती माता का सबसे बड़ा मेला है, सती माता का सबसे बड़ा मेला है। और दोस्तों दूसरा भी यहीं पर है, दूसरा मेला जो है ना सती माता का वो भी यहीं पर है, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रोक भी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसी लोक मान्यता है। प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिएगा,
देखिए आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, किस लोक देवता की पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसी लोक मान्यता है दोस्तों, मेहाजी होगा या हड़बूजी होगा, इन दोनों में से राइट आंसर। बोले सर यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन मेहाजी। दोस्तों मेहाजी के पिता का नाम था गोपाल दास, क्या था, गोपाल राज, सॉरी गोपाल राज इनके पिताजी का नाम था। और दोस्तों गोपाल राज सांकला थे, है ना, ये सांकला थे, मेहाजी कौन थे, सांकला थे, जोधपुर शासक जो थे जिनका नाम था राव चूड़ा, और राव चूड़ा के ये समकालीन थे प्यारे साथियों, राव चूड़ा के समकालीन थे। और मैं आपसे बात करूं दोस्तों, इनका जो स्थान है वो बापणी गांव है, बापणी गांव कहां पर है, बोले सर ये बापणी गांव जोधपुर में है। और इनके दोस्तों जो है ना भोपे जो होते हैं ना मेहाजी के, उनके वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसी लोक मान्यता है। फिर ये क्या करते हैं, ये गोद लेकर जो है अपनी पीढ़ी को चलाया करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पुष्कर मेला की तिथि को संपन्न होता है, पुष्कर मेला जो है ना किस तिथि को संपन्न होता है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, कार्तिक पूर्णिमा को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, वैशाख कृष्ण द्वितीया को, या फिर जो है आषाढ़ शुक्ल पंचमी को, वैशाख कृष्ण द्वितीया भी देर का है। तो दोस्तों ये पुष्कर मेला जो है ना ये अपने कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्र प्रभु मेला कहाँ पर भरता है, ये आप बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चंद्र प्रभु जो मेला भरता है ना, झालरा पाटन, धौलपुर, अजमेर, या इनमें से कोई नहीं, सही जवाब देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चंद्र प्रभु का मेला भरता है दोस्तों तिजारा में, है ना, कहाँ पर, तिजारा में। बोले सर तिजारा तो अलवर में, हाँ तो बिल्कुल अलवर में ही तो, है ना, राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कब भरता है मेला, अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो एक तो भरता है, देखिए दो भरते हैं मेले यहाँ पे, एक तो भरता है फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल शुक्ल सप्तमी को भरता है, एक तो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को एक, और दूसरा जो भरता है श्रावण, श्रावण शुक्ल शुक्ल दशमी को भरता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोनों की दोनों, ठीक है सर, रखेंगे ध्यान जैसे तैसे, रखनी पड़ेगी साहब। जौहर मेला कहाँ भरता है, ये आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान और क्या होगा, जौहर मेला कहाँ भरता है दोस्तों। जौहर मेला जयपुर में नहीं भरता, जैसलमेर में भी नहीं, ये भरता है केवल और केवल चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में ये जौहर मेला भरता है दोस्तों, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न नंबर 88, प्रसिद्ध शीतला माता मेला जो है ना ये भरता है कहाँ पर, ये भी आसान है दोस्तों। अब ये मेला भरता कब है, और ये दोस्तों इसकी सवारी क्या है, कौन जो है इसके पुजारी है, देखिए दोस्तों शीतला माता, यहाँ पर बात करेंगे चाकसू में इनका मेला भरता है, कहाँ पर, चाकसू में, ठीक है, इन्हें चाकसू माता भी कहा जाता है, इन्हें दोस्तों देखिए इन्हें महामाया भी कहा जाता है, क्या महामाया, इन्हें शेडल माता भी कहा जाता है, शेडल माता, ठीक है, इन्हें इन्हें छेचक की देवी भी कहा जाता है, छेचक की देवी भी कहा जाता है, इन्हें बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है दोस्तों, तो है ना, तो महामाया शेडल माता है ना। और दोस्तों ये जो भी नाम थे ये मैंने आपको बता दिए इनके, ठीक है। अब शीतला माता की बात करें दोस्तों, इनका मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, है ना, होली के 8 दिन बाद में, ठीक है। और यही हम बात करें चाकसू कहाँ पर है, बोले सर जयपुर में। शीतला माता की दोस्तों सवारी क्या है, बोले सर गधा है। शीतला माता की बात करें पुजारी कौन है, बोलेंगे सर पुजारी कुम्हार जाति है इनकी पुजारी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना घर घर पूजी जाती है शीतला माता, क्योंकि बच्चों की संरक्षिका ये कही जाती है, ठीक है। और इन्हें जो है ना प्यारे साथियों, शीतला माता की हम बात करें, इनका जो भोजन सड़ाया जाता है ना वो सप्तमी के दिन रात को बनाया जाता है, और सुबह जो भोजन सड़ाया जाता है वही सप्तमी के रात को बनाया गया भोजन सड़ाया जाता है, सुबह मतलब कि गर्म भोजन नहीं बनाया जाता, रात को भोजन को बासियोड़ा भोजन कहते हैं, क्या, बासियोड़ा भोजन कहा जाता है, ठीक है, तो वही सड़ावा होता है देवी के। चले दोस्तों बहुत अच्छा हुआ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा मेला आषाढ़ माह में भरता है, इनमें से कौन सा मेला जो है आषाढ़ माह में भरता है, चांद सेन पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, श्री तेजाजी पशु मेला, या इनमें से कोई नहीं। देखिए चांद सेन पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, ठीक है, तेजाजी भाद्रपद है दोस्तों, गोमती सागर जो है हमारा कार्तिक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर आषाढ़ में कोई भी मेले का। एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में आषाढ़ माह में
आषाढ़ माह में जो प्रसिद्ध मंदिर है या फिर प्रसिद्ध जो पशु मेले हैं वहाँ पर कोई भी आषाढ़ माह में मेला नहीं भरता। ये चीज़ आप हमेशा के लिए ध्यान रखना। जो 12 महीने हैं ना अपने दोस्तों हिंदू वर्ष के 12 महीने, उनमें से आषाढ़ में कोई राजस्थान में मेला नहीं आयोजित होता। अगला प्रश्न है नंबर 90 क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजली शहीद मेला जो है ये दोस्तों कब भरता है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 363 लोगों ने वीर गति प्राप्त की थी, मतलब कि शहीद हुए थे साहब, अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, है ना। और ये घटना है 1730 ईस्वी की, कब की है 1730 ईस्वी की घटना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अपनी जान देने वाली अमृता देवी और इनके पूरा गांव वाले जो है साथ हो गए थे शहीद। खेजली मेला जो है ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो कि दोस्तों माना जाता है, और ये भरता है अपने भाद्रपद शुक्ला दशमी को। डी ऑप्शन को हम लॉक करने वाले यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि भी प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है। और दोस्तों बता दूँ आपको, अमृता देवी पर्यावरण के लिए जो अच्छा कार्य करता है जो भी व्यक्ति या फिर संस्था, उनको अमृता देवी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखियो, ठीक है सर। 91 देखिए, 91 है प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है। राइट आंसर दोस्तों, लास्ट के क्वेश्चन शानदार आने वाले हैं, बने रहिएगा। बेणेश्वर जो मेला है ना, ये बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है दोस्तों। कहाँ पे? डूंगरपुर। बोले सर कब? तो भैया माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब होता है? माघ पूर्णिमा को दोस्तों। ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। ये माघ पूर्णिमा लगभग जो है ना फरवरी के आसपास ही है जो पकड़ी जाती है ना, तो फरवरी में इनका ये मेला भरता है। और दोस्तों यहीं पर बेणेश्वर धाम में धाम जो है माना जाता है कि संत माओजी के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। और प्यारे साथियों, संत माओजी की कर्म स्थली है यहाँ पर, कर्म स्थली है जो कि सावला में इनका मठ भी बना हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है? ये तो अपन पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ते ही आ रहे हैं। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सोम, माही और जाखम। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सोम माही जाखम, तीनों के संगम पर बेणेश्वर धाम बना हुआ है। बोले सर ठीक है, यहीं पर जो है ये डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। और संत माव जी की तपोस्थली भी है। ओके सर, अगला प्रश्न देखिएगा। सीताबाड़ी का मेला जो है ना, ये दोस्तों देखिए कब भरता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सीताबाड़ी का मेला जो है कब भरता है? थोड़ा सा धुंधला देख रहा है ना, कोई बात नहीं। सीताबाड़ी का मेला भरता है दोस्तों ज्येष्ठ माह में, है ना, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को भरता है। और वहीं हम बात करें ये मेला कहाँ पर भरता है, बोले सर 12 में भरता है। 12 के कहाँ पर? 12 के केलाबाड़ी में दोस्तों, 12 के केलाबाड़ी में ये मेला भरता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, और ये जो है ना, ये सहरिया जनजाति का कुंभ है दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है प्यारे साथियों। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें तो कल्प वृक्ष मेला किस जिले में भरता है, ये बता दीजिएगा दोस्तों। कल्प वृक्ष मेला जो है ना कौन से ज़िले में भरता है? अजमेर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर। मैंने आपसे बात की थी एक दिन, बरगद का सबसे बड़ा जो है वट, बरबद का पेड़ कह लो या फिर वट वृक्ष जो सबसे बड़ा कहाँ पर है दोस्तों? वो है अपने उदयपुर में है। कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर में है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कल्प वृक्ष मेला किस जिले में भरता है, तो दोस्तों कल्प वृक्ष मेला भरता है अपने अजमेर में। कहाँ पर? मांगलियावास में भरता है दोस्तों, मांगलियावास में, ठीक है। और यहाँ पर एक पेड़ भी है दोस्तों, और ये मेला भरता है हरियाली अमावस्या को। कब भरता है? हरियाली अमावस्या को भरता है। यहाँ पर जो भी भक्त जाते हैं दोस्तों, और जिनकी भी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, वो जिनकी भी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, तो वो जब कोई भक्त जो है श्रद्धा से वहाँ पर धागा बांध लेते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये हरियाली अमावस्या कब होती है? ये श्रावण अमावस्या होती है, हरियाली अमावस्या तो सब जानते ही है। अच्छा और क्या बताऊँ आपको, देखिए रेगिस्तान का कल्प वृक्ष तो अपन किसे कहते हैं? बोले सर खेजड़ी को कहते हैं, ठीक है। और आदिवासियों के कल्प वृक्ष की बात करें तो दोस्तों वो महुआ को कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान ही है। अगला प्रश्न है बिंदुरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध जो है, बिंदुरी नृत्य जो है किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? बता दीजिएगा
बिल्कुल जल्दी से, झालावाड़ होगा, बाड़मेर होगा, भरतपुर होगा या भीलवाड़ा होगा? बोले सर बिंदोरी नृत्य तो झालावाड़ का हो सकता? हो सकता नहीं है प्यारे साथियों, क्या है? झालावाड़ का बिल्कुल श्योर है। बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। और ये गैर शैली का है दोस्तों, किस कौन सी शैली का? गैर शैली का नृत्य है, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और डेरू वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है ये आपको बताना है। बताया था मैंने कि लास्ट के क्वेश्चन बड़े शानदार आने वाले हैं। डेरू वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है दोस्तों? ताल, तत्, सुषिर या फिर घन? डेरू जो है ना ये एक अवनद्य है दोस्तों। कैसा है? अवनद्य भी है दोस्तों। अवनद्य हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं ताल को दोस्तों, ठीक है, ताल या फिर अवनद्य भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये डमरू के आकार का होता है दोस्तों, डमरू के आकार का मतलब कि बड़ा रूप होता है, डमरू से भी बड़ा होता है वैसे डेरू। क्लियर है सर? अगला प्रश्न है, सती प्रथा अधिनियम 1830 के तहत सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी थी ना दोस्तों? सती प्रथा अधिनियम 1830 के तहत सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी ये कहाँ पर लगी थी? देखिए अधिनियम के तहत की बात करें 1830 है ना, इस अधिनियम के तहत तो अलवर में लगी थी, हालांकि इससे भी पहले दोस्तों बूंदी में लग गई थी रोक तो 1822 में। बूंदी के प्रशासन ने वहाँ पर रोक लगा दी थी सती प्रथा पर, लेकिन जो अधिनियम चलाया था ना, अधिनियम किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय वे बेंटिंक के प्रयासों से जो है ये चलाया गया था दोस्तों। और 1830 में सबसे पहले अलवर ने रोक लगाई थी, अलवर के अंदर रोक लगी थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बरेडियो क्या है दोस्तों ये बता दीजिएगा, बरेडियो कहीं हुए जल्दी बताओ साहब, कौन बताओ वाला जल्दी, पहली कौन बताओ वाला जल्दी बताओ। देखो बरेडियो कहीं होया करे, और हालांकि बरेडियो आप लिखो नहीं तो यूँ लिख सका है, नहीं यूँ लिख सका बरेडियो, ठीक है, छोटी डी वेला, बड़ी डी नहीं वेला, कोई बात को नहीं, अपन यार बरेडियो है, ठीक है। और तो दोस्तों इसका राइट आंसर दुल्हन का वेश नहीं होगा, सुंदरी का, चुंदरी का प्रकार नहीं होगा, घाघरे का प्रकार भी नहीं होगा, दूल्हे का वस्त्र हो जाएगा, दूल्हे का वस्त्र है, दूल्हे के लिए ओढ़ने का वस्त्र है दोस्तों ऊपर, है ना, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर बरेडियो हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लोट या मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है ये बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला भरता है दोस्तों? दशहरा मेला तो होगा नहीं, तीज का भी नहीं होगा, गणगौर का मेला दोस्तों लोटिया मेले के नाम से जाना जाता, लोटिया मेला है ना, बिल्कुल आसान सा है, डी ऑप्शन को लॉक किया गया है। और नंबर 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, शरारा क्या है ये बता दीजिएगा, शरारा जो है ना ये क्या है? शरारा क्या है? लोकगीत है, वस्त्र है, आभूषण है या फिर बोली है? दोस्तों शरारा जो है ना ये एक जो है ना सर बोली है, नहीं साहब किसने कहा सर, आभूषण नहीं, लोकगीत भी नहीं है, वस्त्र है प्यारे साथियों, ये वस्त्र होता है, सलवार रूपी वस्त्र होता है दोस्तों। कैसा होता है? सलवार रूपी वस्त्र होता है प्यारे साथियों, ठीक है, जो कि शरारा हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब देखिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, राजस्थान। देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से अपन पढ़ेंगे अब आगे से, है ना, सौ तक ही वहाँ पर जो अपनी सीरियल सौ तक थी, आगे 21 सीरियल है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं बस, है ना। तो राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1985 में, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी दोस्तों, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सरेरी परियोजना का संबंध कौन से जिले से है दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों जो सरेरी परियोजना है ना इसका संबंध, ये परियोजना मतलब कि जल परियोजना प्यारे साथियों, ये परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? तो जयपुर नहीं होगा, भरतपुर नहीं होगा, भीलवाड़ा हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों भीलवाड़ा की बात करें, एक अड़वाड़ जो है ये एक परियोजना है, ये भी भीलवाड़ा से संबंधित है। और दोस्तों भीलवाड़ा से और भी काफ़ी परियोजनाएं हैं जो कि अपन ने पढ़ी भी हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अफीम उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? प्यारे साथियों क्वेश्चन अच्छा है, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो अफीम उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो चित्तौड़गढ़ होगा, गंगानगर, जयपुर या फिर उदयपुर? तो दोस्तों अफीम उत्पादन में सर्वाधिक है चित्तौड़गढ़, उसके बाद नंबर आता है राजसमंद का, उसके बाद जालौर का, है ना, तो बिल्कुल जो कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अफीम उत्पादन में सर्वाधिक जो अग्रणी जिला है वो अपना चित्तौड़गढ़ है प्यारे साथियों। कौन सा?
चित्तौड़गढ़ है। ओके सर, अगला प्रश्न बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जोधपुर के पास ओसिया में मंदिरों का समूह किस वंश की देन है? प्रतिहारों की है, या फिर पाल की है, या फिर राठौड़ों की है, या फिर चौहानों की है? आपसे मैं दोस्तों बात कर लूँ, ये प्रतिहारों ने बनाए थे 10वीं सदी में। कब? 10वीं सदी में। कौन से प्रतिहार थे? बोले सर ये अपने मंडोर के प्रतिहार थे, मंडोर के जोधपुर के, है ना, मंडोर जोधपुर के प्रतिहार थे। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना, नागभट प्रथम के समय जो है ये बने थे प्रथम। और दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें यहीं पर जोधपुर पास ओसिया, ओसिया में यहाँ पर सभी मंदिर है दोस्तों। देखिए हिंदू मंदिर भी है यहाँ पर, हिंदू देवी देवता, और जैन धर्म के मंदिर भी यहाँ पर, वैष्णव धर्म के मंदिर भी है, वैष्णव धर्म के मंदिर भी है, और शैव धर्म के भी मंदिर है, भगवान सूर्य का भी मंदिर है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी धर्मों के लगभग मंदिर है प्यारे साथियों। ओसिया को हम राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और राजस्थान का दोस्तों ओडिशा भी कहते हैं, राजस्थान का ओडिशा, वे कोणार्क भी कहते हैं राजस्थान का दोस्तों ओसिया को, ठीक है। और ओसिया को दोस्तों अपन प्राचीन नाम के नाम से अगर जाने तो उपकेश पटन के नाम से जानते हैं, उपकेश पटन। यहाँ पर दोस्तों उपकेश नाम से एक राजा हुआ करता था, और माना जाता है कि सच्चाई माता ने इनको दर्शन दिए थे, है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं काल्पनिक है, या फिर जो है अपनी लोक मान्यता है ऐसी, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल। और अगला प्रश्न है, विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा में किसका मंदिर बनवाया गया? देखिए दोस्तों, विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा में किसका मंदिर बनाया गया? नेमिनाथ जी का, आदिनाथ जी का, कृष्ण भगवान का, या फिर विष्णु भगवान का? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ पर है? बोले सर सिरोही में है। तो दोस्तों दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में। और इन्होंने यहाँ पर आदिनाथ भगवान का मंदिर बनाया था प्यारे साथियों, भगवान आदिनाथ का मंदिर बनाया था, ध्यान रखना। और विमल शाह जो थे ना प्यारे साथियों, विमल शाह ये जो थे ना, ये दोस्तों एक महामंत्री थे, ठीक है, महामंत्री थे। किसके थे? परमारों के महामंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कौन सा है? आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल, अभी अभी अपन ने बात कर ली है, बेणेश्वर हो जाएगा, बेणेश्वर डूंगरपुर में है, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जो जग मंदिर महल उदयपुर में स्थित है, ये किसने बनाई थी? दोस्तों क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट तो है कि नहीं, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जो जग मंदिर महल उदयपुर में स्थित है। और दोस्तों जग मंदिर महल ये कहाँ पर है? ये पुष्क अपने पिछुला झील में है। किसने बनवाई थी? बोले सर शाहजहां ने बनवाई थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां को अपन शहजादा खुर्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका नाम था प्यारे साथियों, ठीक है, ध्यान रखियो। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, कपूर बाबा नामक फकीर की जो छतरी इनके द्वारा वहाँ पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अमरनाथ किस मंदिर को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजस्थान का अमरनाथ किस मंदिर को कहा जाता है ये आपको बताना है। नीमज माता उदयपुर, देखिए नीमज माता कहाँ पर है? मंदिर उदयपुर में है। आशापुरी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये पाली देर का, इसमें हालांकि जालौर में है, ठीक है, और इसमें नीमच देर का हालांकि उदयपुर में नहीं है दोस्तों। देखिए गोतमेश्वर तीर्थ जो कि ये प्रतापगढ़ देर का है, ये तो सही है, ठीक है, अरनोद में है। परशुराम महादेव स्थल जो है ना, ये सादड़ी दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा अमरनाथ जो है ना, अमरनाथ जो है ना राजस्थान का, वो परशुराम महादेव मंदिर को कहते हैं, सादड़ी में है, जो कि पाली है, और ये थोड़ा सा दूर है कहाँ से, देसूरी से। अच्छा दोस्तों, नंबर 29 क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है, ये यूँ कह रहा है कि अंजनी माता की हनुमान जी को दूध पिलाती, स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थापित हुई थी? दोस्तों ये आपको बताना है, प्रतिस्थापित है या फिर स्थापित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सालासर चूरू में है, चुरू में, या फिर करौली, या डूंगरपुर, या फिर अपने सवाई माधोपुर? तो दोस्तों ये है अपने करौली में है। कहाँ पर है? करौली में दोस्तों, ठीक है। और केला देवी से थोड़ा सा ही दूर है, केला देवी माता मंदिर से, थोड़ा सा दूर। केला देवी माता मंदिर की बात करें, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है माता का मंदिर, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है मंदिर, है ना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। बोले सर डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम समुदाय के लोग किस नाम से जानते हैं?
डिग्गी मालपुरा। दोस्तों ये कहाँ पर है? बोले सर ये अपना टोंक में है। जी बिल्कुल, अब ये टोंक में कल्याण जी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मुस्लिम समुदाय के लोग इसे जो है ना, इन्हें कलह पीर के नाम से जानते हैं। क्या? कलह पीर के नाम से जानते हैं दोस्तों। प्यारे साथियों, राइट आंसर डी ऑप्शन को कर लेंगे आप सभी मिलके। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यूं पूछा जा रहा है, देखिए, नंदनी माता तीर्थस्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए न्यू क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा भी है। और राइट आंसर, नंदनी माता तीर्थ राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों डूंगरपुर हो जाएगा क्या राइट आंसर? बिल्कुल नहीं होगा, बांसवाड़ा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा प्यारे साथियों। राइट आंसर क्लियर है? ओके सर, नंदनी माता तीर्थ स्थल जो है बांसवाड़ा में स्थित है। गुड़िया संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। गुड़िया संग्रहालय राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में है या फिर जोधपुर में है या फिर अपने उदयपुर में है या फिर अजमेर में? तो राइट आंसर होगा अपना जयपुर में। गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर है? बोले सर जयपुर में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन से कछवा शासक की छतरी गेटोर में नहीं है? ये क्वेश्चन है लाजवाब। तो क्या है? लाजवाब क्वेश्चन तो ये है प्यारे साथियों। आप में से काफ़ी भाई बहनों ने ये क्वेश्चन आज पहली बार देखा होगा, कौन से कछवा शासक की छतरी जो है ये गेटोर में नहीं है। और गेटोर में यहाँ पर जो है ना सभी की छतरियाँ बनी हुई है कछवा शासकों की, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, ईश्वरी सिंह, है ना। ईश्वरी सिंह की छतरी जो है ना यहाँ पर नहीं बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सभी की बनी हुई दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और अगला प्रश्न नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया राशमी को या फिर रणछोड़ जी राय का मंदिर को या कोलाई जी के मंदिर को या नाकोड़ा जी? देखिए नाकोड़ा जी का मंदिर बाड़मेर में है, कोलाई जी मंदिर बीकानेर में, रणछोड़ राय जी मंदिर बाड़मेर में है और रणछोड़ जी मंदिर केवल है वो है अपने जोधपुर में, ठीक है। और मातृकुंडिया राशमी में, और जो कि ये कहाँ पर है? बोले सर ये चित्तौड़ में है और इसी को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ओके सर, अगला प्रश्न बताइएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर मुझे देना है आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और इसका जवाब देना है। किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का बना हुआ है? किराड़ू जो है ना, किराड़ू कहाँ पर है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में जो सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू में, ये किस शैली का बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, भूमि शैली, और जितना आपको जितनी जानकारी होना इनके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में विवरणात्मक दृष्टि से ज़रूर लिखें, व्याख्यात्मक रूप से ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको कितनी जानकारी। प्यारे साथियों, क्लास रेगुलर रहनी चाहिए आपके लिए, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो है अपना कैसा भी तूफान भी क्यों ना आ जाए, नेटवर्क का है कि नहीं, जो है अपनी क्लास रेगुलर रहनी चाहिए दोस्तों। हमें बरसाती मेढक की तरह काम नहीं करना है, ना तो मैं बरसाती मेढक की तरह काम कर रहा हूँ आपके लिए, और ना ही आपको बरसाती मेढक की तरह पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आए और आप पढ़ना शुरू करो, ऐसा करना नहीं है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं करूँगा कि एग्ज़ाम आए और मैं आपको पढ़ाऊँ, नहीं साहब, मैं आपके लिए क्लासेस रेगुलर रखता रहूँगा। आप कितने धैर्यवान हैं ये अपने आप में आप जरूर जानिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया आज, तो भाई साहब लाइक बनता है इस क्लास के लिए, और इसका जवाब बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।